नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न यादव। देखिए, BPSC TRU 1 से चयनित जितने भी बिहार में शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक, उन सभी का थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, उसका मिलान किया जा रहा है। ये आपको तो पता होगा ही, 3 जनवरी से ही ये कार्य किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का आदेश का पालन हो रहा है। इस कार्य का उद्देश्य यही है, ये पता लगाना है कि जिन्होंने BPSC TRU 1 का फॉर्म भरते समय जो थंब इम्प्रेशन दिए थे, वह थंब इम्प्रेशन क्या एग्ज़ाम देते समय वही थंब इम्प्रेशन है या नहीं, क्या वही व्यक्ति जॉब कर रहे हैं या दूसरा जॉब कर रहे हैं। क्योंकि इस बार जो थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जा रहा है, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है और फोटो भी लिया जा रहा है, मतलब फोटो और थंब इम्प्रेशन दोनों का मिलान यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि फर्जी शिक्षक होंगे तो यहाँ पे पकड़े जाएंगे। और देखिए, इस पर मैं 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया हूँ। उस वीडियो को यदि नहीं देखें तो चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा, वीडियोज आएगा, प्लेलिस्ट आएगा, तो वीडियोज में जाकर के ही देख लीजिएगा। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हुआ है, एक जो आपके प्रश्न पूछे गए थे तो उस पर भी वीडियो बनाया है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर, जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिलेगा, क्या डायरेक्ट उन पर कार्रवाई की जाएगी या उसका प्रक्रिया क्या है। देखिए, धीरे धीरे जो है न्यूज़ में आ रहा है, ऐसा ही न्यूज़ आज निकल करके आया है सामने। मुजफ्फरपुर का ये न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में क्या है कि जाँच में 12 शिक्षकों का नहीं मिलान हुआ, थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं हुआ 12 शिक्षकों का। अब देखिए, DO साहब का क्या कहना है इस पर, ये भी हम बताएंगे इस वीडियो में, वीडियो में बने रहिए। हाँ, पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, टोटल पहला दिन जो है 83 शिक्षकों में तीन शिक्षक जो हैं अनुपस्थित थे, 2 शिक्षक अनुपस्थित थे, 81 शिक्षक उपस्थित थे यहाँ पे। तो अनुपस्थित थे उन पर भी क्या मतलब आदेश है, ये भी देखिए इसी न्यूज़ में, सारा न्यूज़ जो है, सभी जानकारी जो है दी गई यहाँ पे। तो जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है उनके बारे में DO अजय सिंह जी के द्वारा कहा गया कि उनको 3 दिन और बुला करके जो है और उसका जांच किया जाएगा अच्छी तरह से, कि हो सकता है कि कोई तकनीकी खराबी भी हो सकता है, उसके कारण भी थंब इम्प्रेशन नहीं मैच कर रहा है, ये देखा जाएगा। और जब 3 बार, देखिए जिनका नहीं मिल रहा है ना, उनको 3 बार मौका दिया गया है, 3 बार थंब इम्प्रेशन होगा, अगर 3 बार के बाद भी उनका नहीं मैच हुआ तो आयोग को सूचित किया जाएगा कि इनका जो है मिलान नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा। आयोग उस पर क्या निर्णय लेती है, देखिए ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको हटा दिया जाएगा, जांच बारीकी से किया जाएगा, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो, ये भी कारण हो सकता है। अब एक बार नहीं मिला तो ये ऐसा तो है नहीं कि वो फर्जी है, और भी तरीके हैं उनको जांचने का, जैसे फोटो का मिलान किया जाएगा, उनके HM के सामने उनका जो है वेरीफाई किया जाएगा कि क्या यही व्यक्ति आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनका फोटो मैच किया जाएगा। उसके बाद देखिए, एक शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक कह रहे थे, अभ्यर्थी नहीं, जो शिक्षक बने हैं, कि सर मेरा एग्ज़ाम के समय में थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया था, उनका ये कहना है, बायोमेट्रिक वहाँ पे नहीं हुआ था तो अब उनका कैसे मिलेगा, ये भी तो सवाल है ना। उनके लिए भी शिक्षा विभाग कुछ ना कुछ उपाय निकाल रही है जांचने की, उसका मिलान करने की, ठीक है। तो ये मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है, 3 बार उनका जांचा जाएगा, 3 बार अलग से बुला करके उनका फिर से जो है मिलान किया जाएगा, और नहीं मिला तो आयोग को सूचित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी जो है आपको मैं दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि देखिए तरह तरह के सवाल आपके माइंड में चल रहे होंगे कि अगर मिलान नहीं हुआ तो क्या होगा, हम जेन्युइन व्यक्ति हैं और हमको हटा दिया जाएगा, हो सकता है तकनीकी कारणों की वजह से आपका मिलान ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए, ये मुजफ्फरपुर का न्यूज़ था जो मैंने आपको बताया। तो ऐसी ही घटना नालंदा में भी देखने को मिला है, कुछ शिक्षकों का जो है थंब इम्प्रेशन नहीं मिला था तो उनको DO साहब बुलाए हैं अलग से, और उनका फिर से जांचा जाएगा, मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही आयोग को सूचित किया जाएगा कि इनका नहीं मिल रहा है, और बाद में लेटर जारी होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तत्काल के लिए ये मिलान किया जा रहा है, और घबराने की कोई बात नहीं, आप अगर जेन्युइन व्यक्ति हैं, ओरिजिनल हैं, आप ही पढ़ा रहे हैं, आप ही एग्ज़ाम दिए थे, आप ही काउंसलिंग में गए थे, सारा चीज़ आप ही किए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जाँच केवल थंब इम्प्रेशन ही नहीं है, फोटो वगैरह सब है, जितने भी आपने जानकारियां दी है वो सभी का जांच होगा, ऐसे ही आपको हटा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि भाई देखिए,
किस तरह से जांचा जा रहा है, कितने स्टेप पार करके आप यहाँ पे आए हैं, आप सोच लीजिए। फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ फर्जी लोग हैं, अब उनका तो थंब मिलान होगा नहीं, उनको बारीकी से जांचा जाएगा। उसके बाद अंतिम निर्णय क्या आता है मैं वीडियो बनाकर बताता रहूँगा। वीडियो से बने रहिए, चैनल से बने रहिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।